ये गांव हमारा सैदनपुर औरेला कहलाता है, ये औरेला उसका पार्ट है। तो आप पूरा ये समझ लीजिए, ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, आप समझ लीजिए 5000 बुनकर जरूर रहता है। बहुत दिन से बनावत है, 4-5 साल से बनावत है, सीख गए हैं बस बनावे लगे। पढ़ाई करते हैं? नहीं पढ़े, वो इतना कलाम पाक पढ़े रहन बस नहीं पढ़े। और सारे बच्चे इधर सुन लीजिए, बस वो मदरसा तालीम हासिल करके बैठ जाते हैं, घरों में काम करते हैं, इसके अलावा उनके आगे बढ़ने और पढ़ने की क्षमता ही नहीं है, क्या करें। पैसे नहीं तो। और कितना पैसा मिल जाता है इस काम के लिए? खबरे मिल जाते का तरह थोड़ा बहुत मिल जाता, सूद वूद देख का ही बच उन्हें जो बचा दे 400-500 रुपए उन्हें में खर्चा चले। जितना काम करे उतने कम है इनमें, कहूँ ताग वाग टूट जाए उनमें देर लग जाते, बिगड़ जाते उनमें देर लागत, बनाओ बस फिर बिनाओ। तो ये तो हमारे हैंडलूम जो है हिंदुस्तान की शान बोली जाती है। देखिए हैंडलूम सेक्टर पहले शान थी और आज भी शान है, लेकिन उसकी शान हम लोगों ने इधर सुन लीजिए, हम लोगों के पेट के पालन और ये से शान उसके लिए खत्म, क्या करें, मजबूर हैं कि हम दूसरे चीज़ों में जो है इधर चले गए हैं। हमारे बच्चे अगर ये मान लीजिए अभी बड़े होकर के ये करगा नहीं बुनना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये लखनऊ जा करके मजदूरी करेंगे, लखनऊ जा करके कोई और काम करेंगे। यही चल रहा है, या बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए इनके पास पैसा हो गया तो वीज़ा लेकर के चले जाएंगे सऊदी दुबई। जैसे मैंने देखा बैटरी की बैटरी लगी है, बिजली तो होती नहीं होगी। हाँ बिजली नहीं है, मेरे को गर्म में और काम नहीं होते, देर लगते गर्म पत्ती नहीं होगी तो क्या काम होगा। तो हमें इसलिए फिर जरूरी पड़ जाता है कि हम हाथ ही से इसका काम करें। दिन के कितने गमछे बना लेते हैं आप? बहुत मेहनत कर दें तो जो उन्हें 8 बन जाते हैं, नहीं 6 बन जाते हैं। 16 घंटे में? हाँ बहुत मेहनत करो, चलो खानो खान उठो तब, अब क्या करें, पेट के मारे अब अच्छा लगन नहीं अच्छा लगन ना करें तो क्या करें। हाँ ये हाथ करे इनमें बहुत मेहनत, अब हम लोग मशीन हुई हमारे के यहाँ नहीं तो हम कहा जाने नहीं वाली। और मशीन महंगा होता है। हाँ वही कहाँ ले पी गरीब आदमी, मामू की हम रहा था न। हम लड़कियाँ क्यों कर रही हैं? ये घरेलू काम है ना, इसलिए ऐसा है ना कि घरेलू काम जैसे मैं देख रहा हूँ लड़के सब लोग खड़े हैं, लड़के ये बारी बारी करते हैं। अच्छा बारी 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 करते हैं, उनकी बारी चल रही लड़कियों की। अच्छा 6 घंटे का टाइम होती है, 6 घंटे वो करती है दीदी, उसके बाद 2 घंटे खाली, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे दीदी करेंगे, उसके बाद आप बैठेंगे तो 2-2 घंटे की बारी होती है। अच्छा उस बारी में जो उसका नंबर आ गया, अब इस बारी में आप आ गए तो बारी में लड़कियां चल रही थी, लड़कियां जो है इधर सुनिए आपको मिली, उसके बाद में इनकी माँ भी जो है इधर तुझे बैठ सकती है, अगर मान लीजिए दोनों लड़के लड़के हाँ तो जिसकी बारी आ जाएगी तो हमरे क्या रहती हमारी बहनें मामा है। हाँ। हाँ। अच्छा ये बारी बारी काम होता है घरेलू। अच्छा माँ अच्छा माँ से बात करी जाए। हमारा नाम है जरीना, हम चला लेते हैं, हम नहीं चला पा, हमारा हाथ पे कौन टांग हम नहीं चल पाओ, पहले चलाती हाँ हम नहीं चला पाओ। हाँ जो बहुत मेहनत का काम है, छुट्टी नहीं मतन को कोई बहुत दिन तो जो हाथ पिराना है साल ठीक है, हमारे नहीं बिन पाए इतना हाथ कैसे मुठिया था, यही था ऐसा ही तो हमारी बेटी बिना हमारी बिटिया बिना थी। हाँ लड़के करें लड़की करें हैं, जब हमारी लड़की लड़की एक है तो करिए ना खाइबा का तो कोई हम सही बात है। हाँ आदमी मर गया है, हमारा आदमी मर गया तो बहन क्या बैठी है। ये ज़्यादातर जो है हमारा ये आइटम जो है इस तरह का ये मुस्लिम कंट्रीज में ज़्यादा रहता है। अच्छा कभी कभी ये जापान मांग लेता है, जापान मांग लेता है, और ज़्यादातर जो है आपको सऊदी अरबिया वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ये गल्फ कंट्रीज जो है ये ज़्यादा लोग ले जाते हैं। और वही सबसे अब बाहर से ज़्यादा अच्छा जो है आपका मार्केट इंडिया भी हो गई है, इसको यूज़ करने लगे हैं, पहले नहीं यूज़ होता था ये मानते हैं आप, अब इसको इंडिया भी यूज़ करने लगे।
शमसुल हसन वही करगा चलती है, मान लो बचपन से ही चल रही है। अरे 8-10 घंटे काम होता है, 100-120 ही इतना काम होता है करगा। बस चल रहा है जैसे चल रहा है, बस चल रहा है उल्टा सीधा। याद है उर्दू में? अली बेले यार, अली बेते से जी है के दाल जाल रे जे छोटी सी बड़ी सी स्वाद ज्वार तो जो हेंगन पे प्रकाप छोटा का प्ला मीनू वाव ए बिशस्मी लामली पंजा छोटी चमन चमन की दिल कसी गुलो की ए वताजगी चांद दिन से सब नमी कहे साकी रोशनी फजाओं की रागनी हवाओ ये लगमगी कितना प्यार नाम भी नबी 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 ओ अहमद बहार। हमारे लिए रसूली ये जैसे इनकी माँ बाप बच्चे सब मिलजुल करके सुबह उठ करके करगा पहले चलाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है स्कूल जाने को, मतलब स्कूल टाइम पर इनको का अपना काम करना है। छुट्टी में आए तो काम करना है। अगर इनके बाद इधर सुन लीजिए, यहाँ मान लीजिए स्कूल है, फीस पड़ती है, वो फीस नहीं दे पाते हैं तो मदरसों में भेजते हैं, चंदा वाले स्कूल में पढ़ते हैं, बेचारे क्या करें, मजबूर है, चंदा स्कूल के पढ़े लड़के ये हैं सब। अरे ये तो जग जमाना हो गया, ये चल रहा है, ये जमाना ही हो गया कि यही काम हो रहा है। उम्र देख लिए पूरी उम्र भर भी ने। हाँ उम्र भर से क्या बदलाव आया? समय तो उतना ही दे रहे होंगे काम में। हाँ समय उससे ज्यादा हो गया है, समय उससे ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा समय हो गया अब काम जो है वहाँ कुछ आमदनी नहीं। आमदनी उतनी की उतनी है, उससे थोड़ी बड़ी है? कुछ नहीं बढ़ी आमदनी, आमदनी कहाँ बढ़ी, सूद बढ़ा गया, आमदनी कहाँ बढ़ी। हमें तो दिल्ली में ऐसा लगता है कि दाम बढ़ रहा है, हाँ तो आप लोगों के पास भी पैसा नहीं है? नहीं ये नहीं बढ़ रहा है ना, ये तो सूत के दाम बढ़ रहे हैं, माल अपना जो बिन के ले जाओ नहीं बढ़ रहे हैं, उमा उमा उतर ले जा रहे हैं, ये इमाम हिसाब है। पावर लूम आपको दिखाता हूँ, पावर लूम दिखाऊँ आपको, पावर लूम दिखाऊँ, इन्होंने कुछ डेवलप किया है, थोड़ा पावर लूम लगाया है, इसमें खर्चा लगा है 35,000 का एक है। हाँ बत्ती नहीं आती है तो बहुत कम और रह जाता है। अच्छा और रेट इतना कम है कि मजदूरी बहुत कम आ रही है। तो आपको क्या फायदा हुआ, एक तो हैंडलूम होता है और एक पावर लूम, उससे क्या आपको कोई ऐसा फायदा काफी हुआ या उतने पे ही हैं? उससे नीचे चले गए हैं, इसको लेके नीचे चले गए। लेकिन अब क्या करें, फंसे पड़े हैं। हैंडलूम से पता लगा कि 6-7 गमछा बनता है दिन का, तो इसमें पावर लूम में आप कितना बना लेते हैं? इसमें ज्यादा ज्यादा 15 बन जाते हैं। देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर हम लोग अपना बिजनेस जो है मान लीजिए जोड़ते हैं मशीन से, हाँ। तो हमें बत्ती नहीं मिलती, हम लोग फेल हो जाते हैं। हाँ। इंजन अगर चालू किया जाए, अगर इंजन चालू जाएगा तो यहाँ इधर सुनिए तेल खा लेता है, और तेल यहाँ पर सुनिए ब्लैक से मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। 45 में आए, देहात में बत्ती अगर सही होगी तभी काम हो पाएगा, तभी देहात डेवलप होगा। हमारी 72 बरस की उम्र हो गई। अच्छा और अब हम यही काम करते करते इतनी उम्र आ गई हमारी, यही कर्जा का बुनना और यही अब तो इतने बूढ़े हो गए कि कर्जा नहीं बुन पाते हैं, अब ये चरखा चलाते हैं, ये देखिए इसका लोग सब घर के लड़के कहते गांधी जी चरखा चला रहे हैं। अरे पूरी जिंदगी की, मगर कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई बहुत पैसे आ गए हैं तो छोड़ दे थोड़ी देर आराम कर ले, बस ये शिकायत है अल्लाह से। अच्छा। और आप लोग आए हैं
आप लोग आए हैं तो आप पूछते हैं वही बात आपको बताते हैं। ये ना हुआ कि पैसा हो जाए तो बच्चे खूब ज्यादा पढ़ जाए। ये जो करगा चलती है तो इसको फिरा के जब देते हैं तो इन लोगों को नहीं फिराना पड़ता है, ये हम कर देते हैं और बहू और लड़के और ये सब बीनते हैं। पूरा दिन काम किया जाता है, यू है इमा लग जाए दो तीन दिन तब सीधा होगा, मतलब तब सही होगा, तब कपड़ा बनने लगे। ज्यादा ज्यादा पांच पीसे बन जाते हैं, बस बहुत नहीं बन पावत हैं तो हमारे लोगों के काम नहीं। पूरा दिन काम करके पांच पीस बनता है। पांच पीस हाँ, साइज एक मीटर वाला है, छोटा वाला जो है तो जल्दी हो जाते हैं दिन भर जैसा जिसे है। हाँ तो अगर बहुत है हाँ तो 20 रुपए नहीं 10 रुपए, 15 या 12 रुपए दिन भरे का 100 रुपए काम होते, इससे आगे नहीं हो पावत। हाँ सब लोग करते जैसे हम करते हैं, फिर हम जो कर चुके थे ये करती है, फिर अम्मी हमारी करती है, फिर वो करती है, नहीं बस तो फिर 25-25-30 रुपए मिलते हैं। ऐसा है ना, ऐसा है बचपन से ऐसा करके और ऐसे करके फिर चरखा चला चल जाते हैं। मगर ये करगा में भैया ये बहुत मेहनत का काम है, इसमें इतना नहीं हो पाता है कि आराम से सब काम चलता है। ये लोग आए थे तो वो बड़े मैनेजर नहीं आए थे, सबसे बड़े हैं जी, तो वो बेचारे इतना हम लोगों के साथ सलूक किया है कि बैंक से पैसा भी थोड़ा दिलवा दिया, अब वो उससे हम लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं। देखिए ये हुआ देख लीजिए, ये इसमें लगाई जाएगी तब इसमें तगड़ा भर जाएगा, सब कुछ आप लीजिए तो आप जानेंगे कि क्या कितनी मेहनत के बाद में कपड़ा तैयार होता है। देखिए भरा जाएगा, हमको दिखाई नहीं देता मगर ये अंदाज है। चलिए इस अंदाज से चलेगा, अब ये जा रहा है अगर टूट गया, अब ये यहाँ से टूट गया तो फिर गड़बड़, तो फिर बहुत कई घंटे लग जाते हैं इसको सुलझाने में। आप ये सोचिए मतलब इसका कारण ये है कि हम लोग बहुत सारी मेहनतें करते हैं, इसको लाते हैं धागा ढूंढ कर, उसके बाद में इसको बनाते हैं चढ़ाते हैं, उसके बाद में 15 दिन ये चलता है रोल, इसको रोल कहते हैं, 15 दिन बिनते हैं, उसके बाद में फिर बैठ जाते हैं, फिर एक हफ्ता फिर लगता है उसको बनाने में, तब इसके बाद ये एक हफ्ता ये हैंडलूम पड़ा रहता है, तब एक हफ्ता पड़ा रहेगा उसके बाद में तब फिर ये तैयार हम इस पर चढ़ा पाएंगे, तब फिर इसको बिनेंगे तो एक हफ्ता वो निकल जाएगा, तो वो एक हफ्ता काम नहीं होगा तो पैसा कहीं कहीं नहीं मिलेगा, तो एक हफ्ता निकल गया तो हम कहाँ से पैसा लेंगे। उस समय में तो बहुत अच्छा था, वो सारे जितने हम तो बुनकर हैं, हम अंसारी कहलाते हैं, और कसाई और जितने वो जब वो भी बुनने लगे थे, इतना बेहतरीन काम था, मगर ये 50 बरस में ये गवर्नमेंट ने इतना हमको वो कर दिया है कि वो अलग से भेज देता मगर हमारा बुनकर हमारा बिना हुआ नहीं भेजता है काम, वो का जी जो हमको जी। देखिए इसमें 4 घंटे में 20 रुपये मिलेंगे तो क्या, ये देखिए ये अगर हम बुनकर उसको हम जो बुना के दें और गवर्नमेंट इसको बाहर इसको ही तो है ये, और ये हमारे हाथ से अगर भेज दे तो हमको बहुत पैसा मिले। देखिए सीधा नहीं बेच पा रहे हैं। हाँ उन्हीं लोग बेचते उन्हीं लोग फायदा उठाते हैं। दिल्ली से या कहीं से भी जो लोग आते हैं आपसे खरीदने जी तो आते होंगे ना खरीदने लोग, तो हम लोगों से कुछ नहीं कोई खरीदने, कौन खरीदता है, सब वो डीलर है बड़े बड़े उनसे खरीदते हैं। डीलर कौन आपसे कौन लेके जाता है डीलर तक, अब ये जो है तो ये स्कूटर ले जाते हैं हम लोगों का। आप बाप दादा से चला है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, चाहे हम खाएं भले मगर इज्जत को बरते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, कोई नहीं हमारा कोई नहीं सहारा, हम मर रहे हैं भूखो ये हाल है हमारा। बहे उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, बहे उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। तश्नगी आब आब हो जाए, कचरा कचरा गुलाब हो जाए, तू मगर मुस्कुरा के जाम भरो तो सादा पानी शराब। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं,
हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। अब बेफायदा आलम नहीं, बेकार कम नहीं, तौफीक दे खुदा भी तो नेमत भी कम नहीं। ये बात कि आलम और गम दुख ये बेफायदा नहीं अल्लाह देता है, इसमें नेमत, इसमें रहमत होती है। क्या बात है, ये क्या बात है, बहुत बड़ी बात।